आज आपको उन रस्मों के बारे में बताएंगे जो हिंदू धर्म में होती हैं, और हर शादी से पहले ये रस्में काफ़ी खास होती हैं। दूल्हा दुल्हन के लिए ये 5 रस्में निभानी ज़रूरी होती हैं। आप देख रहे हैं वैदिक टीवी और मेरा नाम है मेघा। राधे राधे सभी को। हिंदू धर्म में विवाह का मतलब केवल नई रिश्ते की शुरुआत करने से नहीं होता, बल्कि हिंदू शादियों में विवाह के कई नियम भी जुड़े हैं जो इस रिश्ते को और पवित्र बनाते हैं। विवाह के दौरान पारंपरिक रीति रिवाज और पवित्र मंत्रों के साथ दूल्हा दुल्हन 7 जन्मों के बंधन में बंधते हैं। सभी धर्मों से जुड़े इस शादी के अलग अलग नियम और तरीके होते हैं, लेकिन कुछ नियम और परंपराएं ऐसी होती हैं आमतौर पर हिंदू धर्म की जो सभी शादियों में होती हैं। तिलक, शादी से पहले की रस्म ज़रूर की जाती है। ये शादी की सबसे पहली रस्म होती है और ये सबसे ज़रूरी है, जो कि शादी से कुछ दिन पहले होती है। तिलक की रस्म में दुल्हन के पिता या भाई दूल्हे के माथे पर तिलक करते हैं और उसे भेंट में पैसे, नए वस्त्र, फल, मेवे, मिठाइयाँ देते हैं। तिलक की रस्म होने के बाद शादी की अन्य तैयारियाँ शुरू होती है। गणेश पूजा, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है, क्योंकि हर शुभ और मंगल कार्य में सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है। शादी की रस्म को शुरू करने से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों के घर गणेश जी की पूजा होती है। ये माना जाता है इससे शादी की रस्मों में कोई विघ्न नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती, कोई रुकावट नहीं होती, और भगवान की कृपा से सभी रस्में मंगलमय तरीके से पूरी होती हैं। मेहंदी, शादियों में मेहंदी की सेरेमनी भी बहुत ज़रूरी और बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। इस दिन दुल्हन के हाथों में उसके होने वाले पति के नाम की मेहंदी लगती है, वहीं दूल्हा भी अपनी दुल्हन के नाम की मेहंदी लगाता है, इसलिए ये रस्म दूल्हा और दुल्हन के लिए बेहद खास और ज़रूरी होती है। संगीत, शादी से पहले होने वाले संगीत की रस्म में केवल दूल्हा और दुल्हन ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार, मेहमान, रिश्ते नाते सब खूब गाना बजाना करते हैं, एंजॉय करते हैं। इस रस्म में लोग शादी की तैयारियों में होने वाले तनाव से रिलैक्स फील करते हैं। पहले के समय में संगीत फंक्शन में ढोलक होती थी, बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते थे, महिलाएं एकत्र होकर गाना गाती थी, लेकिन आजकल ग्रैंड मैरिज फंक्शन में डीजे और धूम धड़ाका होता है। आज के पीढ़ी के हिसाब से ये भी काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन पुराने परंपरा और रीति रिवाज आज भी बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आज भी कुछ जगहों पे लोग उसी तरीके से महिलाओं को एकत्र करते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते हैं बिल्कुल देसी अंदाज में। आप हमें ज़रूर बताएं आपको बन्ना बन्नी वाले गीत देसी तरीके से पसंद है या आजकल शादियों में जो धूम धड़ाका शोर शरब्बा होता है संगीत सेरेमनी में वो पसंद है। आखिर में आती है हल्दी। भाई, शादी से पहले हल्दी की रस्म करने के पीछे ऐसी मान्यता है इससे बन्ना बन्नी यानी दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर निखार आता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हल्दी को बहुत शुभ कहा जाता है, इसलिए शादी विवाह जैसे शुभ काम में हल्दी की रस्म ज़रूरी होती है। इसमें दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, उसके बाद वो शादी तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वैदिक टीवी देख रहे थे आप, राधे राधे। आपको इनमें से कौन सी रस्म सबसे ज़्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या आपके परिवार में भी या आपकी संस्कृति में भी इस तरह की रस्में होती हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर करें।